कैटल फील्ड प्लांट का सीएम रघुवर दास उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। प्रोडक्ट डेयरी का शिलान्यास और गिफ्ट मिल्क की लॉन्चिंग का आज ये बड़ा कार्यक्रम। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं सीएम रघुवर दास। यहां पर शुरुआत की जाएगी, गिफ्ट मिल्क की लॉन्चिंग होगी। मेधा डेयरी के कैटल फीड प्लांट का यहां पर उद्घाटन हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें रांची से आप देख रहे हैं। दरअसल गिफ्ट मिल्क की जो योजना है राज्य सरकार की, ये बजट के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से रखी गई थी। इस योजना में कहा गया था कि जो बच्चे ऐसे हैं जो सक्षम नहीं हैं, जिनके माँ बाप, जो परिवार वाले जिनके सक्षम नहीं हैं, उनको दूध सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा मुआयना करते हुए इस डेयरी यूनिट का, किस तरह से वहाँ मवेशियों के खाने पीने का इंतज़ाम है, कैसे पूरा प्रोसेस होगा, और ख़ुद अपनी बारीक निगाहों से निरीक्षण करते हुए अधिकारी मुख्यमंत्री को समझाते हुए बताते हुए कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डेयरी का ये शिलान्यास कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, अपने आप में ऐतिहासिक है। राज्य सरकार जिस तरीके से झारखंड की प्रगति को चार चांद लगा रही है, एक एक करके झारखंड सरकार नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है, और इसका सीधा फायदा हर वर्ग को, हर तबके को मिल रहा है। किसान वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, सभी तक सरकार की योजनाओं की बौछार हो रही है। देखिए शुरुआत कर दी गई है गिफ्ट मिल की, जैसा कि रविंद्र ने बताया भी एक नई शुरुआत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन बच्चों तक पोषण पहुंचाने की शुरुआत है जिनके पहुंच में ये नहीं है, या जिनकी किसी फाइनेंशियल कारणों से वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी रघुवर सरकार सोच रही है। लगातार विकास की ओर प्रतिबद्ध है रघुवर सरकार। गिफ्ट मिल की लॉन्चिंग यहाँ पर की गई है और खुद वो जायजा ले रहे हैं उन तमाम व्यवस्थाओं का कि किस तरह से मेधा डेयरी कैपिटल फील्ड में किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। कामरान जलीली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। कामरान, शुरुआत हो गई है नए सिरे से एक बार फिर विकास को लेकर, लगातार कितनी प्रतिबद्ध है रघुवर सरकार, ये तस्वीरें बता रही हैं। जिस जाहिर सी बात है, इसी की तरफ पर आज मेघा प्लांट है, कैटल फील्ड प्लांट का उद्घाटन किया गया है, और अभी सीएम रघुवर दास जो कैटल फील्ड प्लांट है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी आहार होते हैं जो कैटल को किए जाते हैं आहार का निरीक्षण कर रहे हैं लगातार सीएम रघुवर दास। और इसके बाद यहाँ पर आगे का कार्यक्रम होगा। खेलगांव स्थित जो स्टेडियम है वहाँ पर भी लगातार यहाँ पर अभी तमाम चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, और जो कैटर फील्ड में आहार दिए जाने हैं तमाम चीजों का लगातार सीएम निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निरीक्षण लगातार जारी है और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कामरान, ये बताइए जिस तरीके से ये कैटल फील्ड की शुरुआत हो रही है, ये कितनी उपयोगी होगी और किन किन लोगों के लिए उपयोगी होगी? जाहिर सी बात है, बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि जिस तरीके से दूध की कमी होती रही है राज्य में, उस कमी को पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा। और जैसे जो उत्पादन होता है मेघा डेयरी दूध का उत्पादन करती है, और अगर आज कैटल जो फीड प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है, तो आहार जो भी पशु हैं उन्हें पौष्टिक आहार दिए जाएंगे ताकि उनका दूध का उत्पादन बेहतर तरीके से हो सके। तो कहीं ना कहीं दूध की किल्लत होती है राज्य में, इस कैटल की प्लांट के उद्घाटन के बाद दूध की किल्लत कहीं कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, दूध की किल्लत भी खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को और पुख्ता भी रखा गया। गिफ्ट मिल की जो शुरुआत है वो अपने आप में बहुत अच्छी है लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया कामरान जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो एक बार फिर से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री का आने पर स्वागत भी किया गया फूलों से, और वहाँ तमाम जो प्रतिनिधि हैं और इसके अलावा जो इस यूनिट के काम से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक एक चीज़ के बारे में बताया, और मुख्यमंत्री ने खुद भी यूनिट्स में मौजूद तमाम साजो सामान को देखा, इस पूरी प्रक्रिया को पहचाना, जाना, समझा क्या कुछ ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है। और अगर मुख्यमंत्री जिस तरीके से इसका निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं उनको कमी पेशी आई होगी तो ज़रूर उन्होंने इस बात को भी सामने रखा होगा कि इसको तुरंत दूर किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, और फिर उस पर अपनी राय भी जाहिर करते हैं और उस पर अपने सुझाव भी देते हैं, क्योंकि वो
यही कोशिश करते हैं कि झारखंड के हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचें और पूर्ण रूप से पहुंचें। बिल्कुल, और इसीलिए शायद रुचि लेकर उन्होंने एक एक चीज़ का जायज़ा लिया है, एक एक चीज़ की जानकारी ली है, किस तरह से स्वच्छता का ख्याल रखा जा रहा है इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी ली है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, शुरुआत हो गई है गिफ्ट मिल्क प्रोडक्ट डेयरी का, उन्होंने शिलान्यास कर दिया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, गिफ्ट मिल्क की भी लॉन्चिंग उन्होंने की है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं मेधा डेयरी के कैटल फील्ड प्लांट पे वो उन्होंने पर्सनली जाकर चेक की हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। पूरे तरीके से मवेशियों को जिस तरह से कैटल फील्ड यहाँ पर है, मवेशियों के खाने पीने का इंतज़ाम, ताकि जो दूध जो मिल्क उनसे प्राप्त हो वो पौष्टिक हो, उसके अलावा उसमें तमाम प्रोटीन्स हों, और साथ ही साथ बच्चों को जिन्हें इसकी सुविधा दी जानी है, जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें ये लाभ सरकार की तरफ से पहुंचाना है, उन्हें किसी तरह की कोई कमी ना आए। तो ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है और इस सेटअप को देखने के लिए, इसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, एक एक चीज़ को यहाँ पर देखा और निरीक्षण किया इसका। और फिलहाल अब यही कोशिश है, यही उम्मीद है कि इस तरह की ये कैटल फील्ड्स हैं जो मेधा डेयरी की, ये इसके यूनिट्स और भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खुलें, ताकि संपूर्ण रूप से लोगों को वो मिल सके जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की, जहाँ के हल्द्वानी में